नमस्कार दर्शकों, मैं अरुष अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, लंबे समय के बाद गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। लगभग 12 वर्ष के बाद गुरु वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। गुरु वैसे तो लगभग एक वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन पूरी कुंडली का भ्रमण करने में लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। तो 12 वर्ष के बाद वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यह गोचर 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही रहेगा। गुरु का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलते हैं। चार ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, राहु, केतु, शनि और गुरु। इन चार ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये चार ग्रह लंबे समय तक गोचर करते हैं एक राशि में और इसी कारण से अपना प्रभाव लंबे समय तक बना करके चलते हैं। गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट, गुरु धन के मालिक हैं, विवाह के मालिक हैं, संतान के मालिक हैं, शिक्षा के मालिक हैं, ज्ञान के मालिक हैं, फाइनेंशियल स्थिति के मालिक हैं। इन सभी क्षेत्रों के मालिक गुरु हैं और गुरु यदि अच्छे भाव में अच्छी राशि में गोचर कर रहे हैं तो पूरा वर्ष बहुत ही शानदार बीतता है। और यदि गुरु खराब राशि में या शत्रु राशि में, नीच राशि में गोचर करते हैं तो पूरा वर्ष खराब रहता है। इसलिए गुरु का राशि परिवर्तन जब भी होता है तो विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि बात करें सिंह राशि वालों के बारे में, सिंह लग्न वालों के बारे में, तो गुरु का जो गोचर है अभी तक भाग्य भाव में हो रहा था, मेष राशि में, लेकिन 1 मई 2024 को गुरु मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में दशम भाव में, कैरियर वाले भाव में जो है पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। कैरियर पर विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे। कैरियर पर तो प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे, यहां पर बैठ करके पंचम दृष्टि धन भाव में पड़ेगी तो धन भाव के भी फल देने का काम करेंगे। सप्तम दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी तो चौथे भाव के भी फल देने का काम करेंगे। इनकी नवम दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी तो छठे भाव के भी फल देने का काम करेंगे और ये मालिक है पंचम भाव के तो पंचम के भी फल देंगे। अब ये शुभ देंगे या अशुभ देंगे विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ अष्टम भाव के भी मालिक है क्योंकि यहां पर गुरु की राशि है मीन राशि और पंचम भाव में भी धनु राशि गुरु की ही राशि है। इसी कारण से पांच जगह के तो फल देंगे ही देंगे, जहां पर ये बैठेंगे वहां के भी फल देने का काम करेंगे। अब कैरियर के भाव में दशम भाव में गुरु का गोचर होगा। दशम भाव में गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है। कैरियर में यदि आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन देने का काम करेंगे। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो वहां पर भी प्रमोशन आपको मिल सकता है, या आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो नौकरी आपको मिल सकती है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा ग्रह है कुंडली में कितना भी खराब हो लेकिन हमेशा जातक का कल्याण करता है, कल्याण के बारे में ही सोचता है। और यदि कुंडली में गुरु शुभ है तो कहना ही क्या है। तो गुरु जो है कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे, चाहे स्वयं का काम कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो, एक अच्छी स्थिति पूरे वर्ष भर आपकी बनी रहेगी। साथ ही साथ गुरु की पंचम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि धन के मालिक गुरु ही है और धन भाव का डिपार्टमेंट जो है वो गुरु के संरक्षण में है। इस कारण से धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार में चल रही परेशानियां दूर करने का काम करेंगे, आपकी वाणी को बेहतर बनाने का काम करेंगे और पैतृक संपत्ति में लाभ देने का काम करेंगे पूरे वर्ष भर। इनकी सप्तम दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी। अब चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का, सुख का।
यहां पर गुरु की दृष्टि होने के कारण भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, लग्जरियस लाइफ देने का काम करेंगे। आप मकान खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, मकान का काम चालू कर सकते हैं। ये एक बेहतर स्थिति बनेगी 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। तो भौतिक सुखों में वृद्धि भी करने का काम गुरु महाराज करेंगे। इनकी नवम दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी। छठा भाव होता है कंपटीशन का, रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का। कर्ज से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे, रोगों को दूर करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, ये एक सुनहरा अवसर रहने वाला है, क्योंकि कंपटीशन के मालिक कैरियर के भाव में गुजर करेंगे, तो आसानी से सफलताएं देने का काम करेंगे। नई नौकरी के लिए अच्छा योग बनाएंगे। नौकरी में यदि बदलाव करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, अच्छी जगह ट्रांसफर हो सकता है, तो ये एक बेहतर स्थिति रहने वाली है। पंचम भाव के मालिक है तो पंचम भाव के भी फल देंगे। पंचम भाव शिक्षा का होता है, विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। संतान का भाव भी पंचम भाव है, संतान की प्लानिंग आप कर सकते हैं, या संतान है तो संतान की चिंताओं को दूर करने का काम करेंगे, संतान की परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। लव लाइफ का भी यही भाव होता है, लव लाइफ के लिए स्थिति को बेहतर बनाने का काम करेंगे। एक अच्छी स्थिति यहां पर रहने वाली है, लव लाइफ से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फाइनेंशियल स्थिति आपकी बेहतर रहने वाली है। यदि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो बेहतर आपको लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप एजुकेशन वाले क्षेत्र में हैं, बैंक फाइनेंस वाले क्षेत्र में हैं, इंश्योरेंस मार्केटिंग सेल्स वाले क्षेत्र में हैं, या कंसल्टेंसी, एडवाइजर, कवि, लेखक, पत्रकारिता, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, या प्रवक्ता हैं, एडवाइजर हैं, तो बेहतर रिजल्ट आपको गुरु देने का काम करेंगे। एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग का काम यदि आप कर रहे हैं उसमें भी बेहतर स्थिति आपकी रहने वाली है। तो एजुकेशन वाले क्षेत्रों में विशेष लाभ देने का काम करने वाले अष्टम भाव के भी मालिक है। अष्टम भाव होता है गूढ़ ज्ञान का। कोई ना कोई आपको ज्ञान दे सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, समाज सेवा का काम कर सकते हैं, गुप्त धन दे सकते हैं, ससुराल पक्ष के संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, ससुराल पक्ष से कुछ लाभ मिल सकता है, ऐसी स्थितियां जो है बन सकती है। तो पूरे वर्ष भर समझ जाइए कि गुरु आपके लिए शुभ है और अच्छे परिणाम देने का काम जो है गुरु करने वाले। गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर है। यदि आपकी कुंडली में दशा और अंतरदशा अच्छी चल रही है, अच्छे ग्रह की चल रही है, मित्र ग्रह की चल रही है, तो विशेष ये बदलाव देखने को मिलेगा। एक अच्छी स्थिति रहने वाली है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। और यदि शत्रु ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है तो ये बदलाव जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यह एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893900।